बोला कर बोले 3,500 रुपये दे रहे मौलाना। रहने दो, तनख्वाह कम रहने दो, जितना दुनिया में उलमा की तनख्वाह कम होगी आखिरत में उतना ज्यादा अजर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। मस्जिदों से, मदरसों से, कुरान से, ये उलमा से क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं। इनकी तनख्वाह सुने तो तुम्हें बेहोश हो जाएंगे। मोदी जी तो 3 दिन ICU में रहेंगे इनकी तनख्वाह सुने तो। 7-8 हजार 10 हजार हो सकता है, गोकाक में 30,000 40,000 50,000। हंसे तो डाउट होता है, यहाँ की हालत भी खराब है। एक ही कश्ती के सवार मौलाना, यहाँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक महाराष्ट्र में से भी कम से कम 10,000 12,000 का की एक चल रही है। मैं रियासत का नाम नहीं लेता, एक जगह पर गया, नमाज पढ़ा मैं ईशा की, खिरात ऐसी पढ़े मौलाना, आहा मौलाना, मैं रिकॉर्ड कर लेकर आ गया ताकि उस तर्ज पर मैं भी पढ़ना सीखूं। इतनी प्यारी खिरात, वो भी बग़ैर माइक के। आजकल खारियों के खिरात को माइक ज़रा उठा को दे दे, उसके बगैर भी हुस्न है जी 100% का, तो इन्हें 50% और बढ़ा रहा, 150% हो रहा है। बग़ैर माइक के इतनी प्यारी नमाज पढ़ाए उन्होंने, अल्लाह अकबर। नमाज में रत्ती भी एक सेकंड के लिए भी इधर उधर जहन नहीं गया। कुरान तो कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर आदमी इतने प्यारे बोले मौलाना, आज तक कानों में वो मज़ा बाकी है। दिल चाहा कि मैं मौलाना से मुलाकात करूँ, उनको कुछ हदिया पेश करूँ। हदिया पेश करने के बाद उन्हों पूछिए कांक के किधर के आंदवे बिठाए, पानी पेश किए। मैं पूछा कैसे मौलाना, कहाँ पढ़े? वहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े। क्या तनख्वाह है मौलाना? क्योंकि कुरान इतना अच्छा पढ़ रही ना, मैं सोचा कि तनख्वाह के बारे में ज़रूर सवाल करना है। क्या तनख्वाह है मौलाना बोलकर पूछा तो, अब आप लोग बोलते नहीं, उन्होंने भी वही सच वाला बोला कर बोले 3,500 रुपये दे रहे मौलाना। रहने दो, तनख्वाह कम रहने दो, जितना दुनिया में उलमा की तनख्वाह कम होगी आखिरत में उतना ज्यादा अजर होगा।